ब्रीदिंग के बारे में उन्होंने बात किया था, मुझे बताओ ब्रीदिंग क्यों जरूरी है, ब्रीदिंग से क्या फायदे हैं? जो एक्स्ट्रा ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग तो हम करते ही हैं, है ना? ब्रीदिंग से एनर्जी मिलता है, ठीक है। और एक एक्टर के अंदर एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, ना? एक्टर को हमेशा कैमरे के सामने जो वो नहीं होता है उसको पोर्ट्रेट करना होता है, ना? तो जो हम नहीं है उसको जब पोर्ट्रेट करते हैं ना, उसके लिए काफी एनर्जी लगता है। मैं एग्जांपल देता हूं, तुम झूठ में एक बार हंसो, करो एक साथ करो, झूठ झूठ में हंसो और हंसो और अपने आप को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, हंसो, हाँ हंसो हंसो हंसो, हाँ। तो ऑब्जर्व क्या किया, देखो तुम्हारे पेट में सिकुड़न हो रही, खिंच रहा है, अंदर से दबाव आ रहा है, एक एनर्जी आ रही है, एनर्जी की जरूरत महसूस हो रही है। हम अगर छोटी सी एक चीज के लिए केवल हंसी को पोर्ट्रेट करने के लिए हमें इतना एनर्जी लगता है, तो सोच लो कि हमें तो पूरा पेज के पेज डायलॉग बोलने हैं, अलग अलग वेरिएशंस में कहने हैं, तो कितनी एनर्जी की जरूरत है। दूसरा फायदा बॉडी को लाइट करता है, हल्का करता है, हमारा पूरा बॉडी एकदम से हॉलो है, उसे गैप है, गैप गुब्बारे के अंदर हवा भरने से वो हल्का होता है ना, तो हल्का होना क्यों जरूरी है एक्टिंग के लिए, या किसी भी चीज के लिए, केवल एक्टिंग नहीं है, कोई भी चीज, कोई भी अगर डेस्टिनेशन, डेस्टिनी या गोल आप टारगेट रखते हो, तो सारी चीजों का प्रिंसिपल तो एक ही है। हल्का होने से क्या होगा, हम बेटर कर सकेंगे सर, आप कुछ भी काम, कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल, जैसे कोई डायलॉग बोलना, कोई थॉट दूसरा भी आना चाहिए और सीधा, हाँ वो थर्ड हो गया, वो सेंटर्ड हो गया, जब हम ब्रीदिंग करते हैं काउंटिंग लेकर, कि 1 2 3 4 जो काउंटिंग हम लोग करते हैं उसको लेकर करते हैं, हम सेंटर्ड होते हैं, बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो जब अच्छा ऑक्सीजन मॉर्निंग टाइम में अगर देते हो बॉडी, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना, गंदा पेट्रोल डाल दिए, पूरे पॉल्यूशन है ना, मॉर्निंग का समय एकदम पोल्यूशन लेस रहता है, कम से कम हवा प्योर रहता है अधिकतर, तो वो जब फ्रेश ऑक्सीजन हम जब डालते हैं तो गाड़ी तेज चलती है, या बहुत आराम से, जैसे फ्लाइट वगैरह में, प्लेन में, हवाई जहाज में एकदम प्योर पेट्रोल डाला जाता है ना, हाई क्वालिटी का, ठीक है, तो हमारा बॉडी और प्योर होता है, ठीक है, और हल्के होते हैं हम। कभी भी देखो तो कोई भी चीज ब्रीदिंग कर रहे हो, तुम्हें घबरा रहे हो, कहीं पर कोई इंटरव्यू देने जाओ या ऑडिशन देने जाओ, तुम घबरा रहे हो, तुम देखो लंबी सांसें लो, मैं जो एक सांस की टेक्निक बताया हूं तुम लोगों को और एक बार बताऊंगा मैं, अगर वो सांस आप लेते हो तो आप देखो वो अंदर से वो जो हार्ट बीट है ना, वो डर का वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे हार्ट को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। कभी भी हमें प्रॉब्लम होता है तो हमें हॉस्पिटल में देखा जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड को प्योर करता है, आप जितना प्योर रहेंगे आपका माइंड उतना सेटल्ड रहेगा, क्योंकि आपको हो सकता है 2-3 पेज के डायलॉग याद करने हो,
या आप कोई स्टेज शो दे रहे हैं, प्रोग्राम दे रहे हैं, उस समय भी आपका माइंड सेंटर्ड होना चाहिए। कभी भी करके देखना, जब भी ब्रीदिंग करते हैं उसका इफेक्ट तुरंत आपको समझ में आएगा। और क्या फायदे हैं ब्रीदिंग के? और क्या फायदे हैं? हमने ब्रीदिंग से हमें एनर्जी मिलती है, हमने बताया माइंड हल्का होता है, ठीक है, बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, शांति का हवा होता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि तुम्हें बहुत पीस लगता है। कोई भी चीज जब आप ठंडे माथे से कोई चीज करते हो तब वो खिलता है। आप कभी नाराज होके या गुस्सा के या माथे में हजारों टेंशन है, मैंने एक वीडियो में बताया था हमारे दिन भर में 50,000 थॉट्स आते हैं माइंड में, लेकिन उसमें से केवल हमें कुछ ही थॉट्स कॉन्शियस माइंड को समझ में आता है, बाकी हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो थॉट्स अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं ये थॉट्स में ना कॉन्सेंट्रेशन आता है। जैसे मैंने बताया था कि सूरज के प्रकाश को अगर एक लेंस लगा दो तो देखो वो पूरा सिकुड़ जाता है या उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है और वो एक कागज को जला सकता है। डबल पावर, हाँ, उसका पावर डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, जितना भी पावर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ब्रीदिंग से हमें कई सारे फायदे। हम जो डायनेमिक एक्सरसाइज करते हैं, वो जो अभी करने वाले हैं बहुत जल्दी, वो बॉडी में बहुत पेन होता है, क्योंकि जब बॉडी में पेन होगा ना तो तुम दूसरे पेन भूल जाओगे, तुम्हारा क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, ये भूल के तुम्हारा बॉडी में ही ध्यान रखोगे, सेंटर्ड होगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज है। उस समय तो उसमें आधे घंटे तक तुम्हें अलग अलग वेरिएशन में मैड ये वो करना पड़ता है, तो अगर ब्रीदिंग लोगे ना तुम्हारे अंदर एक स्टैमिना रहेगी। वो स्टैमिना आपको होल्ड किया रहेगा, उतना देर सर्वाइव करेगा, अदरवाइज आधे में तुम देखना। कोई भी आप एक्सरसाइज करो, देखो नॉर्मल एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार वगैरह जो अगर हम करते हैं या अलग अलग योगा करते हैं, अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक तुम सस्टेन कर सकते हो, ज़्यादा देर तक आप वो चीज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्रीदिंग हम लोग देखे थे, नॉर्मल ब्रीथ ऐसा होता है और हमें करना है उज्जैयी ब्रीथ। उज्जैयी से और ज्यादा हमें पावर मिलता है, कैसे हमने बताया था, उज्जैयी ब्रीथ हम लोग करेंगे और तीन टाइप से करेंगे, हाँ, गले से वो आवाज भी आनी चाहिए, हाँ हाँ, तीसरा सबको याद है, हाँ, थर्ड, हाँ, फिर दूसरा ब्रीदिंग अपन करेंगे भ्रस्तिका, कैसे करना है, हाथ ऊपर करके खींचना है और फुल अंदर से पूरा सांस को बाहर निकालना है, फोर्सली, फोर्स होना चाहिए और सारे लोग साथ में करो, साथ में करो, जब भी हम इन कहते हैं तो एक साथ, ठीक है, ये करते हैं, हाँ, तीनों करते हैं, तीनों एक्सरसाइज करते हैं, फिर कल एक दूसरा मोड से भी अपन दूसरे तरीके से हम एक ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, चलो रेडी।